हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल करना है आपको माइनस वन से वन एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन। अब बेटा इसके लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे आई इज इक्वल्स टू, बेटा न्यूमरेटर के दो पार्ट करेंगे, माइनस एक्स क्यूब को अलग करेंगे और मॉड एक्स प्लस वन को अलग करेंगे। तो एक्स क्यूब को अलग करा, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू वन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन डी एक्स। बेटा हमने न्यूमरेटर को अलग कर लिया, एक्स क्यूब को अलग कर लिया और मॉड एक्स प्लस वन को अलग कर लिया। अब बेटा देखो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। अब बेटा फर्स्ट वाले पार्ट को हम आई वन कह रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम आई वन कह रहे हैं, सेकेंड वाले पार्ट को हम आई टू कह रहे हैं। अब बेटा आप आई वन को ऑब्जर्व करो, इन आई वन अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे कोई चीज़ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर है, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर जो प्लस का होता है, मॉड x में माइनस रखेंगे तो भी कोई चीज़ नहीं आएगा, और एक्स क्यूब में माइनस रखेंगे तो बाहर से माइनस आ जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व करा f ऑफ माइनस एक्स करने से बाहर से माइनस एफ एक्स आ रहा है। ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं, और बाय प्रॉपर्टी ऑड जो फंक्शन होते हैं उनका वैल्यू जीरो होता है। तो बाय प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि आई वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, बेटा जीरो आ जाएगा। अब हम सेकंड वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं इन आई टू। अब आई टू को आप ऑब्जर्व करिए, आप आई टू में अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, रख के देखिए आप, मॉड एक्स में माइनस एक्स रखेंगे मॉड एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मॉड में माइनस एक्स रखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया एफ में माइनस एक्स पुट करने से वही फंक्शन लौट के आ रहा है। ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन कहते हैं बेटा, और प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के। ऐसे फंक्शंस को बेटा इवन फंक्शन कहते हैं, और ये चेंज हो जाता है। और अब बेटा हम सेकंड वाले पार्ट के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा आई टू बनेगा बेटा हमारा टू टाइम्स जीरो टू वन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को बेटा हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दें की बात है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर को लिखा मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन डी एक्स। और बता देखो आप दिख रहा है ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो बेटा आई टू हो जाएगा हमारे पास टू टाइम्स जीरो टू वन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अब एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस वन और मॉड एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बेटा क्या बचेगा आई टू बचेगा बेटा टू टाइम्स जीरो टू वन वन अपॉन डी वन डी एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस वन। अब मॉड एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि मॉड एक्स जीरो और वन के बीच में पॉजिटिव होता है, तो मॉड एक्स जो है हमारा इज़ पॉजिटिव इन जीरो टू वन, जीरो से वन की जो पॉजिटिव है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई टू आ जाएगा बेटा टू टाइम्स लॉग मॉड एक्स प्लस वन। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा हमें जीरो से लेके वन तक, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, टू लॉग एक्स की जगह वन रखे वन प्लस वन टू आ जाएगा, लॉग वन जीरो होता है तो उसको नहीं लिख रहे बेटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।